भारत खंड भारत जम्मू दीपे भक्ति मार्ग शास्त्र में कहते है। हाँ जी, मुन्नी में बोलाये सब भारत अगाड़ी गरीब थे और धनी थे, तो उनकी गरीब हो गया, बाबा बोला है मुन्नी में है। अच्छा, भारत नेपाल कौन समय में अलग अलग हो गया? 500 साल पहले नेपाल का राज्य शुरू हुआ, उससे पहले नेपाल का राज्य अलग नहीं था, भारत में ही नेपाल था। कलयुग जब आधे से ज्यादा बीत जाता है तब नेपाल राज्य की शुरुआत होती है। इसका मतलब शूटिंग पीरियड में भी, जब कलयुग की शूटिंग अंतिम स्टेज की विष्णु के द्वारा, आधा कलयुग बीत जाता है आधे से जास्ती, तब नई दुनिया का फाउंडेशन डाला जाता है। नई दुनिया का फाउंडेशन डालना माना नई दुनिया की पालना करने वाले आ गए। जो बाबा ने पूछा अव्यक्तवाणी में, बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, तो नई दुनिया में आना जाना करते हो या नहीं करते हो ना? तो फाउंडेशन की बात है, बेहद की बात। ये जो स्थूल में नेपाल है, वो स्थूल में जो नेपाल है वो स्थूल रूप में ऊंचाई पर है, लेकिन जो बेहद का नेपाल है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो स्थूल ऊंचाई है या बुद्धि की बेहद की ऊंचाई है? बुद्धि की बेहद की ऊंचाई है। मुरली में कहा है पीछे फेन एक हो जाएगा है, भारत बन जाएगा फेन। हाँ, ये अकेला नेपाल नहीं, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये भूटान, ये बर्मा, ये सब मिलकर के एक हो जाएंगे, एक ही अखंड भारत कहा जाएगा। अभी भारत खंडित है और ही खंड खंड होता जाता है। देखो, छत्तीसगढ़ पहले था नहीं था, अभी छत्तीसगढ़ बना दिया है। पहले आंध्रा में दो हिस्से थे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, अलग अलग कर दिया, तो दो हिस्से कर दिए ना। पहले उत्तर प्रदेश शेर के जैसा नक्शा था, अभी उसका सर काट दिया तो शेर का सिर उत्तरांचल बन गया है। क्या बन गया? उत्तरांचल, मां की देवी गाई हुई है, दुर्गा देवी काय की सवारी करती है, बबर शेर की सवारी करती है, तो वो अलग हो गया। ब्राह्मणों की दुनिया में भी उत्तरांचल उसी टाइम अलग हुआ था। क्या? दुर्गा देवी, दुर्गति नाशिनी, वो अलग हो गई।